बाहर भी हमारे प्रवासी हैं अपनी बोली भाषा से। इस संस्कृति को यूट्यूब के जरिए पूरे विश्व के पटल पर दिखाना, हर हफ्ते एक एक एपिसोड रिलीज होता रहेगा, जैसे सीरियल सा इसके बैनर के इसके तले प्रोडक्शन के तले जो ये वेब सीरीज का काम हो रहा है, ये जैसे मैंने पहले कहा ये मील का पत्थर साबित हो। उत्तराखंड की पहली वेब सीरीज हम लोग अनुबिस एंटरटेनमेंट जो हमारा चैनल है यूट्यूब का उससे बना रहे हैं। इसमें मेरा जो विशेष है जो यहाँ की जो संस्कृति है वो पूरे विश्व पटल पर पहुँचे। संस्कृति मीन्स मेरा ये मतलब ये नहीं कि हमें नाच गाना ही हमारी संस्कृति है, हमारा खान पान, हमारा जो पहनावा है, हमारे रिश्ते, कई बार देखा रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं, रिश्ते नाते उससे जोड़ने की कोशिश की मैंने। और इसमें ये भी रखा हुआ है कि जो बाहर के शहरों में जो क्राइम हो रहा है वहाँ से क्राइम से पीड़ित लोग यहाँ आके उत्तराखंड में रहना महफूज समझ रहे हैं कि यहाँ हमें रहना बहुत महफूज है, हम सुरक्षित हैं। मेरे इसमें जो पौड़ी जो बोलते हैं कि बहुत कमिश्नरी रही है यहाँ पे, पुरानी कमिश्नरी रहा है गढ़वाल पुराने अंग्रेजों के टाइम से, तो मैंने यहाँ के जो क्षेत्र हैं जैसे पौड़ी के आसपास, जैसे नगर में आप देखो जनरा जोध है, किसी को मालूम नहीं वहाँ क्या है, हमारे यहाँ उल्खागढ़ी है, खिरसू है, खिरसू खाली नाम होता है लेकिन अभी खिरसू को किसी पर्यटन मालूम नहीं यहाँ क्या सुविधाएं हैं, यहाँ से क्या है। खासकर पौड़ी की बात करूँ मैं, जितनी बड़ी बेल्ट पौड़ी से हिमालय की दिखती है मेरे ख्याल से शायद ही कहीं से दिखती होगी, अभी इसका भी नहीं है। ये भी मैंने रखा कि इस टाइम पे शूटिंग रखी ताकि हमारे हिमालय की पूरी बेल्ट हमें शूट पे मिल जाए। इधर झिंडीदार है वो भी मैंने इलाका दिखा हुआ है कि उसको करना है, और से वैली चले जाइए आप उसको, वहाँ का शाम का सनसेट देख लीजिए आप, इतना सुंदर होता है कि लोग तो कई विंटर कार्निवल देखने जाते हैं लेकिन मैं सोचता हूँ इससे बड़ा विंटर कार्निवल कोई नहीं हो सकता है। शहर और गांवों की जो स्थिति है आजकल की उसके बारे में बताएगा, एक शहर से किस प्रकार एक परिवार गांव में आता है, किस कंडीशन में शहर की आजकल जो माहौल बना है वहाँ लोग किस तरह जी रहे हैं और वहाँ से कितने परेशान हैं, उसके बाद वो गाँव में जब आते हैं तो क्या सुकून मिलता है उन्हें। और साथ ही इसमें हमने उत्तराखंड में उत्तराखंड के गाँव की संस्कृति और हमारा जो प्रेम है आपस में, जो रिश्तों की अहमियत है, ये सब समझाई गई है इस फिल्म में।